मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे। तो निम्नलिखित के मान निकालिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन 60° इंटू कॉस 30° प्लस साइन 30° इंटू कॉस 60°। और उसी प्रकार दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2tan²(45° प्लस कॉस स्क्वायर 30° माइनस साइन स्क्वायर 60°। जबकि तीसरा प्रश्न है कॉस 45° बटे सीक 30° प्लस कॉस एक 30°। और चौथा प्रश्न है साइन 30° प्लस टेन 45° माइनस कॉस एक 60° बाय सीक 30° प्लस कॉस 60° प्लस कॉट 45°। और पांचवा है 5cos²(60° प्लस 4sec²(30° माइनस 10²(45° बाय साइन स्क्वायर 30° प्लस कॉस स्क्वायर 30°। तो इस तरह से आपने प्रश्न को यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हमने जो है प्रश्न लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ एक प्रश्न सिर्फ छूटा हुआ है, तो उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये है 5cos²(60° प्लस 4sec²(30° माइनस 10²(40° बाय साइन स्क्वायर 30° प्लस कॉस स्क्वायर 30°। अब हम लोग बारी बारी से जो है इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न है हमारा साइन 60° इंटू कॉस 30° प्लस साइन 30° इंटू कॉस 60°। पहले प्रश्न को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसका वैल्यू आप लोगों को मैंने पहले बताया था। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन 60° का जो वैल्यू होता है वह हो जाता है हमारा √3/2 गुना कॉस 30° का वैल्यू हमारा वही हो जाता है √3/2 और फिर प्लस साइन 30° का वैल्यू हम देखेंगे तो साइन 30° का वैल्यू हमारा आता है हाफ और कॉस 60° का वैल्यू हमारा आता है हाफ। तो इसको हमने लिख लिया। अब आप आगे देखिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो √3 × √3 कंप्लीट 3 हो जाएगा, 2×2 = 4 हो जाएगा, फिर 1×1 तो 1 हो जाएगा और 2×2 = 4 हो गया। तो अब इसका अगर हर जब समान हो तो उसका एलसीएम वही होगा। और चूंकि यहाँ देख रहे हैं 4×4 जो दोनों समान है तो अंश जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा हो गया 3×4/4, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2tan·45° प्लस cos²(30° माइनस sin²(60°। तो 2×tan·45° का वैल्यू हमारा 1 हो जाता है। कॉस 30 का वैल्यू अभी हमने लिखा, कॉस 30 का वैल्यू जो है √3/2² हो गया। और साइन 60° का वैल्यू हमारा जो होगा वह अभी √3/2² हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2×2 प्लस √3² कंप्लीट 3 और 2×2 = 4 हो गया। इसी प्रकार इसका भी वैल्यू हमारा वही हो गया 3/4। तो अब देखिए कि एलसीएम लेते हैं इसका और उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2tan²(45° होगा, तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और ये 4 और 4 का हमारा एलसीएम जो हुआ वह 4 हुआ। 4 को 1 से भाग देंगे 4 होगा, 4×2 = 8 हो गया।
प्लस चार चार कैंसिल हुआ, चार से चार कैंसिल बचा एक, एक दो तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी चार से चार कैंसिल हुआ तो ये भी हमारा वैल्यू हो गया तीन। तो अब यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस कंप्लीट हो गया तो ये हमारा हो गया आठ बाई चार इज इक्वल टू दो, इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब जो है हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो तीसरा प्रश्न को हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद जो है हम सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है। तो तीसरा प्रश्न है कॉस 45 डिग्री आप यहाँ पर देख रहे हैं ढंग से कि कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये है प्रश्न। तो पहले इसका वैल्यू हम पुट करते हैं, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाता है 1/√2, तो ये हम लिख लिए। इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 1/√2 बाय इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम हमारा हो गया √3 और √3 कैंसिल बचा एक, एक गुना दो कीजिएगा दो होगा, प्लस एक से अगर भाग देंगे √3 को तो √3 होगा और मल्टीप्लाई 2 तो 2√3 हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। अब आगे आप देखिए, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये भाग में है, इसको गुना में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 1/√2 गुना √3 ऊपर चला जाएगा और 2+√3 नीचे रहेगा, 2+√3 नीचे रहेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 × 1 तो ये हमारा हो गया √3। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि √2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा हो गया 2√2 और उसके बाद √2 × 2√3 तो 2 √3 दैट मीन्स गुना करेंगे √3 × √2 तो ये हो जाएगा √6। अब यहीं पर इसका जो है हम परिमेयकरण कर लेंगे। तो यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस से हमको परिमेयकरण करना है, तो जिसको हम रेशनलाइज करते हैं तो 2√2 माइनस 2√6 बाय 2√2 माइनस 2√6। अब इसको हम आगे देखते हैं सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि √3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो √2 × √3 तो ये हो जाएगा √6 और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2√6 हो जाएगा। अब √6 × √3 तो √18 तो माइनस 2√18 हो जाएगा, ये 2√18 हो गया। अब नीचे वाला तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a² - b² तो 2√2 होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 2√6 होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 2√6 माइनस 2√18 बाय 2 × 4 और √2 × √2 कम्प्लीट 2, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 × 4 और √6 × √6 तो 6 हो जाएगा, तो 4×6=24 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है 2√6 माइनस √18 का अगर आप फैक्टर तोड़िएगा तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 3√2 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 16। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए आप, तो इस तरह से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बाय माइनस 16। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर से इसको कटा देते हैं तो ये वैल्यू मेरा 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए तो 3√2
ये हो जाएगा हमारा माइनस रूट अंडर 6 बाय माइनस 8, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा वैल्यू रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइनली वैल्यू हमारा आएगा 3√2 माइनस रूट अंडर 6 बाय 8, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे, कृपया हमारे साथ बने रहें। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चौथा नंबर हमारा प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री। तो इसको हम जो है अब लिखते हैं प्रश्न पूरा पूरा, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ये है। इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू हमारा हो जाता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो ये हम लिख दिए 2/√3 बाय सेक 30 डिग्री का हमारा वैल्यू हो जाता है 3/2, तो यहाँ हम लिख देते हैं 3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1। तो इस तरह से आप लिख लिए हम सबका वैल्यू। अब इसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2/1 और √3 का एलसीएम हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2√3। अब जो है 2√3 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस 1 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो यही रह जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये हमारा हो गया 2√3। अब यहाँ पर देखिए √3 और √3 कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4। अब यहाँ देखिए 2 और 2 और 2 सबका एलसीएम क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 2 हो गया। अब जो है उस स्थिति में क्या करेंगे कि 2 और 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई √3, तो दैट मीन्स √3 प्लस, और यहाँ पर हो गया हमारा 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 हुआ, 1 प्लस 2, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग आगे देखते हैं, तो एक बार हम वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले कि हमारा वैल्यू सही है या नहीं। तो पहले देखिए आप साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 हो गया, टेन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 हो गया, उसके बाद कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो गया, सेक 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमारा हो गया 2/√, यहाँ पर मिस्टेक है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होगा, ये 2 होगा बाय यहाँ पर √3 होगा, ये वैल्यू मिस्टेक कर दिए हम, और चूंकि मैथमेटिक्स में है कि 1 मिस्टेक गेम ओवर, इसलिए आप हमेशा बहुत ही बारीकी से कोई भी चीज़ को सॉल्व कीजिएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर अब ये वैल्यू मेरा जो है मिस्टेक हो गया, तो अब ये हमारा वैल्यू इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे फिर से, तो ये हमारा हो गया 2√3, तो ये 2√3 लिख लीजिए, 2√3 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो √3 मल्टीप्लाई 1 तो √3 हो गया, प्लस ये हो गया हमारा 2√3 माइनस √3 कैंसिल 2 2 2 4। अब यहाँ पर आप लिख दिए हैं चूँकि 2/√3 है, तो √3 और 2 का एलसीएम हमारा हो गया 2√3, और जब आप इसको कटाइएगा तो √3 कैंसिल तो 1 हुआ, और 2 से यहाँ पर जो है 2√3 है तो √3 कैंसिल 2 बचा, 2 2 4 हो गया, प्लस यहाँ पर 2 2 कैंसिल, √3 × 1, तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ √3, और प्लस 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा होगा 2√3, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं।
तो इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, तो ये हो गया हमारा थ्री रूट थ्री माइनस फोर बाय टू रूट अंडर थ्री बाय रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, तो ये हो गया फोर प्लस थ्री रूट अंडर थ्री बाय टू रूट अंडर थ्री। तो अब इसको यहीं से कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा ये हो गया वैल्यू थ्री रूट अंडर थ्री माइनस फोर बाय फोर प्लस थ्री रूट थ्री। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो फोर माइनस थ्री रूट थ्री बटे फोर माइनस थ्री रूट थ्री, ये हमने लिख दिया। अब आप आगे देख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थ्री रूट थ्री मल्टीप्लाई फोर, तो तीन चौके बारह, बारह हो जाएगा रूट अंडर थ्री माइनस, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीन रूट थ्री और तीन रूट थ्री, तीन की आई नौ या सत्ताईस हो जाएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस सोलह हो गया, फिर माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस थ्री रूट थ्री, तो प्लस हो गया, ये हो गया हमारा बारह रूट अंडर थ्री बाय हो गया ये, यहाँ देखिए आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया चार का स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बारह रूट थ्री और ये बारह रूट थ्री, तो कुल हो गया हमारा चौबीस रूट थ्री, और माइनस सत्ताईस और सोलह को जोड़िएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस सात सौ तेरह के तीन बाकी एक दो एक तीन एक चार तैंतालीस हो गया, ये हो गया चार चौथी सोलह, ये हो गया तीन तिहाई नौतिया सत्ताईस, ये वैल्यू सत्ताईस हो गया क्योंकि तीन तिहाई नौ और रूट थ्री का होल स्क्वायर कम्प्लीट थ्री, तो नौतिया कितना होता है सत्ताईस होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चौबीस रूट अंडर थ्री माइनस फोर्टी थ्री बाय सत्ताईस में से सोलह घटाइएगा तो माइनस ग्यारह होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तैंतालीस, यहाँ लिखेंगे माइनस चौबीस रूट अंडर थ्री बाय माइनस ग्यारह हो गया, क्यों हुआ चूँकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये अब कैंसिल हो गया, हमारा जो वैल्यू आया निकल कर वो क्या आया, वैल्यू मेरा आ गया तैंतालीस माइनस चौबीस रूट थ्री बाय एलेवन, ये हमारा वैल्यू हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है उसको हम लिख लेते हैं ताकि जो है आपको परेशानी ना हो कहीं भी। तो पाँचवा नंबर सवाल को हम लिखेंगे अब, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ये पाँचवा नंबर सवाल हमारा है, पाँचवा नंबर सवाल है फाइव कॉस स्क्वायर सिक्सटी डिग्री प्लस फोर सेक स्क्वायर थर्टी डिग्री माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री बाय साइन स्क्वायर थर्टी डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो फाइव मल्टीप्लाई कॉस सिक्सटी का वैल्यू होता है हाफ, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फोर सेक थर्टी डिग्री का वैल्यू, सेक थर्टी डिग्री का वैल्यू हो जाता है टू बाय रूट थ्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई टू बाय रूट थ्री होल स्क्वायर और टेन फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू वन होता है तो वन का स्क्वायर हो गया। अब चूंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, अगर यहाँ पर थीटा के स्थान पर तीस डिग्री है तो यहाँ भी देख रहे हैं आप तीस डिग्री ही है, इसका वैल्यू वन होगा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं लेकिन हम चूँकि सॉल्व कर रहे हैं तो इसका वैल्यू रख कर ही देखेंगे, तो साइन थर्टी का वैल्यू हो जाता है हमारा वन बाय टू होल स्क्वायर प्लस कॉस थर्टी डिग्री का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है रूट अंडर थ्री बाय टू होल स्क्वायर। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाँच मल्टीप्लाई वन बाय फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई फोर बाय थ्री माइनस वन बाय हो गया हमारा वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर,
अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं पाँच गुना एक कीजिएगा तो पाँच होगा बाय चार, उसके बाद प्लस सोलह बटा तीन, और चार और तीन का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो चार तिया बारह, एकम बारह बाय एक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका तो खैर अंश जुड़ जाएगा क्योंकि हर समान है, तो ये हो जाएगा हमारा तीन प्लस एक बटा चार। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का वैल्यू, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो चार तीन और एक कैल्शियम हमारा हो गया बारह हो गया, और बारह को चार से भाग देंगे तीन, तीन पचे क्या हो गया पंद्रह, प्लस बारह को तीन से भाग देंगे चार, सोलह चौके कितना हो गया चौंसठ। अब बारह को एक से भाग देंगे, चार तीन और एक कैल्शियम जो है हमने बारह किया था, क्योंकि यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट कर दिए थे, यहाँ पर हमको एक ही रखना था, एक ही रखिए एक। तो अब चार तीन एक कैल्शियम बारह होगा, तो अब पहला देख लीजिए, देख लीजिए कि पंद्रह कैसे हुआ चौंसठ कैसे हुआ। अब इसी प्रकार चार किया बारह एकम, यहाँ पर बारह, और नीचे का वैल्यू तो तीन प्लस एक चार बाय चार, ये कटकर वन ही हो गया। तो चौंसठ में से पंद्रह जोड़ लीजिए तो पाँच चार नौ, और छः एक सात उनासी माइनस बारह बटा बारह, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सड़सठ बटा बारह। इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दिया कि सड़सठ बटा बारह कैसे आया। तो यदि आप लोगों को कोई समस्या है तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कोई भी डाउट हो तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू इस पर कोई भी डाउट हो तो आप लिख सकते हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।